Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with the modern history lecture, this is lecture number 4th. So, aapko yaad hoga, in the last lecture, that is lecture number 3rd, we are discussing about partition of West Bengal, that is partition of Bengal. So, aapko yaad hoga, partition of Bengal maine kara diya tha. So, please, jisne mera last lecture nahi dekha hai, that is lecture number 3rd, pehle aap usko dekh lijiye, kyunki bilkul connected hai lecture 3rd, jo hai, wo lecture 4th se bilkul connected hai. So, lecture 3rd mein yaad hoga aapko, maine bataya tha, partition of Bengal hua hai. To usi ke अपोज में एक मूवमेंट चालू हुई थी, दैट इज एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जिसको हम स्वदेशी मूवमेंट भी कहते हैं. ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट मैंने बताया था 1905 में स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, अब उसी मूवमेंट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. मैंने कुछ बेसिक वहां पे डिस्कस किया था स्वदेशी मूवमेंट का, अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. तो देखिए, जो हेडिंग है वो है स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेके कब तक रही है मूवमेंट, 1908 तक. ठीक है, अब स्टोरी कुछ ऐसी होती है. देखिए, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, मतलब पहले कोशिश की गई कि पार्टीशन ना हो बंगाल, बट लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया. तो उस टाइम पे याद रखिएगा, जो कांग्रेस के हेड थे, मतलब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट या कांग्रेस को रूल कर रहे थे उस टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो मॉडरेट्स थे. ठीक है, तो याद रखिएगा, जब पार्टीशन हुआ तो कांग्रेस को मॉडरेट रूल कर रहे थे, बट ऑफ कोर्स चाहे मॉडरेट हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो, दोनों ही कंडेम कर रहे हैं किसको, पार्टीशन को, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल को. तो मैं लिखा, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल कांग्रेस कंडेम द पार्टीशन. तो उस टाइम पर उन्होंने ये भी बोला, यस वी फुली सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट, हम स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, ऐसा कांग्रेस ने बोल दिया. ठीक है, अब देखिए, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसे बदली कि एक्सट्रीमिस्ट, जब मूवमेंट हुआ स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था एंटी पार्टीशन मूवमेंट, उसमें आप देखेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट पे. मतलब स्वदेशी मूवमेंट पे जो मेन रोल रहेगा वो किसका रहना वाला है, वो रहेगा एक्सट्रीमिस्ट का. एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, लाल बाल पाल एंड अरविंदो घोष, लास्ट लेक्चर मैंने बताया भी था. तो नाउ एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस इन स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है, अब वो यहां क्या चाह रहे हैं, व्हाट दे वांटेड इन द नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, वो चाह रहे हैं कि वी शुड बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें, हम गवर्नमेंट कॉलेजेस को बॉयकॉट करें, है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट किया जाए, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको भी बॉयकॉट करें, है ना, इवन गवर्नमेंट जो कोर्ट्स होते हैं उनको बॉयकॉट करें, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ठीक है, उनको भी बॉयकॉट किया जाए. ठीक है, इंडियंस उनको बॉयकॉट करें, म्युनिसिपैलिटीज को बॉयकॉट किया जाए, और जो गवर्नमेंट जो टाइटल्स प्रोवाइड करती है, जैसे महाराजा दे दिया किसी को भी, तो ये टाइटल्स भी हम नहीं लेंगे. तो आप देख रहे हैं, एक तरीके से बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट कह लें या तो कह सकते हैं अपन कि स्वदेशी मूवमेंट का एजेंडा जो है वो बॉयकॉट का है. और इसमें ऑफ कोर्स कांग्रेस है, कांग्रेस भी सपोर्ट करी स्वदेशी मूवमेंट को, बट एक्सट्रीमिस्ट इसके अंदर स्वदेशी मूवमेंट को उन्होंने मेन एजेंडा बना लिया है और उसको वो प्रमोट करना चाह रहे हैं. ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा होगा क्या इसमें, विल सी. ठीक है, और वो चाहते हैं कि इसी स्वदेशी मूवमेंट में पैसिव रेजिस्टेंस हो, किसका, ब्रिटिशर्स का. मतलब अब ब्रिटिशर्स से हम प्रेयर पिटीशन वगैरह नहीं करें, अब उनका पैसिव रेजिस्टेंस करें, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स करें. तो इस टाइम पे कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पा रही, मतलब जो मॉडरेट्स हैं उनको भी लग रहा है हाँ हाँ, क्योंकि एक तरीके से एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा है वेस्ट बंगाल में, तो वो भी कांग्रेस भी इस चीज का सपोर्ट करने लगती है. ठीक है, कब तक करेगी, मॉडरेट्स जो कांग्रेस को लेड कर रहे हैं वो कब तक इतना स्ट्रांगली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सपोर्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है, तो अपन आगे देखेंगे. ठीक है, और व्हाट इन द नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते हैं, कि हम इंडिपेंडेंस दिलाएं इंडिया को फ्रॉम फॉरेन रूल. मतलब देखिए, वो इंडिपेंडेंस दिलवाना चाह रहे हैं कि हम इस इन द नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट हम देश को इंडिपेंडेंस दिला दें फ्रॉम ब्रिटिशर्स. बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो अपने इन द नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट दे वॉन्टेड इंडिपेंडेंस. तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी सोच है, अपन देख सकते हैं. और इवन दे वॉन्टेड अ मास स्ट्रगल, मतलब जो पब्लिक है हम उनका सपोर्ट लें इस बॉयकॉट में, क्योंकि ऑफकोर्स बॉयकॉट तभी होगा जब पब्लिक भी इन चीजों का क्या करेगी, बॉयकॉट करेगी. तो दे वॉन्टेड अ मास स्ट्रगल, दैट इज पब्लिक सपोर्ट इन द नेम ऑफ बॉयकॉट, कि हम बॉयकॉट तभी कर पाएंगे. ठीक है, अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसमें क्या क्या टेक्निक्स अपनाई गई, ठीक है, क्या क्या चीजें की गई इन द नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो अपन देख लेते हैं टेक्निक्स अडॉप्टेड इन स्वदेशी मूवमेंट. पहला मैंने आपको बता ही दिया है, बॉयकॉट करना है फॉरेन गुड्स को, ठीक है, चाहे फॉरेन क्लोथ हो या कुछ भी हो, उसको बॉयकॉट करेंगे. ठीक है, इवन मैं आपको बताऊं, बॉयकॉट की कंडीशन इस लेवल की चली गई थी कि जो वॉशरमैन है, जैसे धोबी कहते हैं, दे ऑल्सो रिफ्यूज टू वॉश द फॉरेन क्लोथ्स. मतलब उन्होंने कह दिया था फॉरेन क्लोथ्स रहेगा तो हम उसको वॉश नहीं करेंगे.
करेंगे। इवन मैं आपको बताऊं, प्रीस्ट जो होते हैं, ठीक है, पंडित होते हैं, उन्होंने कहा अगर हम ऐसी शादियों में नहीं जाएंगे जहां पर फॉर एग्जाम्पल जो फ्लोर होता है उसमें अगर जैसे अपन चटाई वर्ड यूज करते हैं कॉमन, अगर उसका जो क्लोथ होगा वो फॉरेन का बना होगा तो हम ऐसी शादियों में नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह बॉयकॉट चल रहा है उस टाइम पर, ठीक है। फिर क्या हुआ, सेकेंड टेक्निक में समिति बनाई गई, ठीक है, मतलब इस मूवमेंट को चलाने के लिए समिति बनाई गई। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समिति का, स्वदेश बंधव समिति, ठीक है, ये समिति बना रही है कि हम अपने स्वदेशी मूवमेंट का प्रोपेगेंडा अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाएं। और इस समिति को बनाने वाले थे अश्विनी कुमार दत्त। तो याद रखिएगा, कभी प्रीलिम्स में स्टैटिक एग्जाम में पूछा सकता है स्वदेशी बंधव समिति किसने बनाई थी, अश्विनी कुमार दत्त, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, इन द नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट सोशल वर्क भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सोशल वर्क, जैसे उस टाइम पर आपको पता होगा फेमाइन आया हुआ था, ठीक है, तो इन द नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट फेमाइन के टाइम पर वर्क भी किया जा रहा है, मतलब जिनको जिनको जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं उनकी हेल्प की जा रही है, ठीक है। इवन स्वदेशी सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन हो गया था, दे वांटेड स्वदेशी, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि पार्टीशन को कैंसिल किया जाए, उसके लिए स्वदेशी सॉन्ग्स रिकमेंड हो रहे हैं, ठीक है। इवन ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, स्वदेशी क्राफ्ट की, कि हमें किस तरह अपने खुद के क्राफ्ट बनाने हैं, स्वदेशी देश का क्राफ्ट बनाना है, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो आप देख रहे हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट टेक्निक में पॉपुलर फेस्टिवल्स जैसे हैं, जैसे गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल्स, इन द नेम ऑफ दीज फेस्टिवल पब्लिक को अवेयरनेस दी जा रही है कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए बैड हैं, उनकी पॉलिसीज बुरी हैं। तो क्योंकि इस फेस्टिवल्स में क्या होता है, लोग आते हैं बहुत ज्यादा, तो आप यहां पर अपना जो एजेंडा या प्रोपेगेंडा है आप इस फेस्टिवल्स के थ्रू प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो ये फेस्टिवल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा बाल गंगाधर तिलक करते थे, तो मैं लिखा भी गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल के थ्रू। फिर देन सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो, ठीक है, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मशक्ति, ठीक है, हम एग्जाम्पल सेल्फ सफिशियंसी डेवलप करें अपने अंदर, किस चीजों पे, चाहे एटलीस्ट डेली प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें हम उन प्रोडक्ट्स को खुद डेवलप करें, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो आप देख रहे हैं सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है, इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस सेल्फ सफिशियंसी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगर मैं कल्चर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपने सुना होगा, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, नोबेल प्राइज मिल चुका है इनको, इन्होंने एक बहुत फेमस सॉन्ग लिखा था, ठीक है, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है, दैट इज अमर सोनर बांग्लो, याद रखिएगा। तो इस सॉन्ग से बंगाल की यूनिटी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह कल्चर के थ्रू भी हम यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उस टाइम पे ये सॉन्ग ऑफकोर्स लिखा था, ठीक है। देन इन द नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जैसे उस टाइम पे विलेजेस में क्या प्रॉब्लम थी, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, तो स्वदेशी मूवमेंट में जो लोग वर्क कर रहे हैं वो इन सोशल जो रिफॉर्म्स है, सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो एविल्स हैं सोसाइटी के वो इनको भी हटाने की बात कर रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन आ सकता है कमेंट बॉक्स में कि क्या सोशल वर्क किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में, तो आंसर वुड बी यस, ठीक है। फिर नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ध्यान रखिए स्वदेशी मूवमेंट किसको प्रमोट करें, नेशनल एजुकेशन को, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया है, और इसको किसने किया है, अरबिंदो घोष ने, याद रखिएगा, बंगाल नेशनल कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया। इन कॉलेजेस के थ्रू अपन अपनी नेशनलिस्ट जो फीलिंग है, नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा है, उसको रखा जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए, ठीक है। फिर नेशनल एजुकेशन काउंसिल 1906 में एस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है, इसका एजेंडा क्या था कि नेशनलिस्ट लाइन पर हम अपनी चीजों को प्रमोट करेंगे, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन सेक्टर में अगर आप अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग डाल देंगे तो जो नया यूथ आ रहा है वो मतलब उनको पता रहेगा ब्रिटिशर्स कैसे हैं, ठीक है, हाउ द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स आर, तो हम ये नेशनल एजुकेशन काउंसिल एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हम एजुकेशन सेक्टर पे भी स्वदेशी मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखा जाए स्वदेशी और इंडिजिनस एंटरप्राइजेस, मतलब हम ऐसे एंटरप्राइजेस डेवलप कर रहे हैं जो इंडिजिनस हो, देश के बने हुए हो, नॉट मेड अप ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स एस्टैब्लिश की गई, ठीक है, जो हमारे खुद के इंडियन प्रोडक्ट्स को इंडियन एंटरप्राइजेस हैं, तो स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स भी एस्टैब्लिश की गई, ठीक है। फिर पेंटिंग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है टू क्रिएट अवेयरनेस, जैसे कल्चर में अपन इसको लिख सकते हैं, जैसे कि जैसे मैं आपको पेंटिंग्स की बात करूं तो याद रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इन्होंने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना रखी है भारत माता की जय, जैसे आज आपने ये वर्ड भी सुना होगा भारत माता की जय बहुत ज्यादा बोला जाता है, ठीक है, तो उन्होंने भारत माता की एक फोटो बनाई हुई है, ठीक है, तो पेंटिंग के थ्रू बता रहे हैं कि देश एक है, ठीक है, वी कैन नॉट डू पार्टीशन, तो ये भी किया जा रहा है, ठीक है। इवन साइंस का भी
इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम पार्टीशन जो हो रहा है वो गलत है, स्वदेशी मूवमेंट साइंस का भी इस्तेमाल है। जैसे इंडियन साइंस कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट किया है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है। तो साइंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन द नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो आप देख रहे हैं ना क्या क्या टेक्निक्स अपना रहे हैं हम कि हम रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू स्वदेशी मूवमेंट। तो ये टेक्निक्स आपके मेंस में पर्सपेक्टिव में आ सकती है, व्हाट टेक्निक्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय स्वदेशी मूवमेंट, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। और लास्ट जो है स्वदेशी मूवमेंट पे मास पार्टिसिपेशन हो रहा है, मतलब मैं आपको बात करूँ स्टूडेंट्स, वुमेन्स, इवन मुस्लिम्स भी, ठीक है, पूरी कंप्लीटली मुस्लिम्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट यार ये सम मुस्लिम्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, तो मास पार्टिसिपेशन में है। तो दीज आर द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में किस तरह बॉयकॉट करना है, मैंने आपको बताया बहुत से कल्चर का, साइंस का, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है टू प्रमोट व्हाट, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। इसका आउटकम अगर मैं बात करूँ तो देखिए आउटकम ही बहुत ट्रिकी है। एक्चुअली हुआ क्या, जिस तरह आप देख रहे हैं टेक्निक्स मैंने बताई आपको, इसको बहुत ज्यादा लेवल पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाह रहे थे इसको कि हम इसको प्रोपोगेट करें, पूरी आइडियोलॉजी इसको, ठीक है। और जो मॉडरेट से स्टार्टिंग में तो ठीक है, उन्होंने भी कह दिया था हाँ करना चाहिए, बट धीरे धीरे करके वो इसको इतना फॉलो नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक ही रहे, कौन कहेगा, मॉडरेट्स कहेंगे। जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो है, जो दूसरा दल है कांग्रेस के अंदर, दूसरे मतलब एक अलग आइडियोलॉजी है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, वो कह रही नहीं इस मूवमेंट को हम इंडिया से बाहर भी जाएंगे, इंडिया सॉरी वेस्ट बंगाल, बंगाल से बाहर ले जाएंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इस मूवमेंट को चलाएंगे। तो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आ जाएगा बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो इसका आउटकम अगर देखा है स्वदेशी मूवमेंट का, तो सबसे बड़ा आउटकम अगर था तो वो था कंफ्लिक्ट आ गया था बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। अभी मैं आपको कंफ्लिक्ट भी बताऊंगा क्या कंफ्लिक्ट था, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा स्वदेशी मूवमेंट 1908 में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इसको भी आगे अपन देखेंगे कैसे कंप्लीट हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका जो कंफ्लिक्ट हुआ, इसका रिजल्ट अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो रिजल्ट था स्प्लिट इन द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस दो ग्रुपों में डिवाइड हो गई, ठीक है। और वो दो ग्रुप बन गए थे, याद रखिएगा ये ग्रुप डिवाइड हुए फाइनली ऑफिशियली कब डिवाइड हुए, स्टार्टिंग से ही कोल्ड वॉर टाइप की कंडीशन चल रही थी, बट फाइनली डिवाइड हो जाएंगे, याद रखिएगा 1907 सूरत सेशन में, मैं सूरत सेशन पे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बट याद रखिएगा स्प्लिट हो गए थे 1907 में, क्योंकि आइडियोलॉजीज दोनों की अलग हो गई थी, ठीक है। अगर मैं सूरत सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं आपको, ठीक है, कि हुआ क्या, ये तो आप टेक्निक से अडॉप्ट कर रहे थे, तो हुआ क्या, देखिए हम वापस फ्लैशबैक में चलते हैं, पीछे चलते हैं, याद होगा 1905 में पार्टीशन हो गया, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो गया। अब इसी टाइम पर दिसंबर 1905 में कांग्रेस की एक सेशन हुई, ठीक है, और जो कांग्रेस की सेशन हुई ये हुई बनारस में, ठीक है, बनारस बड़ा फेमस भी आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां पर कांग्रेस का सेशन हुआ। अब यहां पर क्या था, यहां पर अपन देख सकते हैं इशू, अपन को दो इशू दिख रहे हैं यहां पर, ठीक है, बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, वो दोनों इशू मैंने यहां लिख दिए हैं, बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। पहला था मेथड ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, कि जो मेथड अपना रहे हो आप स्वदेशी मूवमेंट का प्रोटेस्ट का, इस पे कंफ्लिक्ट हो गया। मैं बताऊं कंफ्लिक्ट क्या था, जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, दोनों की ही आइडियोलॉजी इस प्रोटेस्ट मेथड की अलग-अलग थी। देखिए एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम इस मूवमेंट को बंगाल से भी बाहर ले जाएं, ठीक है, जबकि मॉडरेट्स क्या, दे वांटेड कि इस मूवमेंट को आप वेस्ट बंगाल तक ही कंसेंट्रेट रखें। तो पहला डिफरेंस आ गया दोनों की, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो बॉयकॉट है, ठीक है, सिर्फ फॉरेन प्रोडक्ट्स का नहीं, मैंने आपको बताया कि काउंसिल्स का, म्युनिसिपैलिटीज का, हर जगह का हम बॉयकॉट करें, ब्रिटिशर्स का, जो ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करें हम उसको बॉयकॉट करें। जबकि मॉडरेट्स का कहना था इतनी मेहनत से हमें ये सीट्स मिली हैं इन काउंसिल्स में, इन म्युनिसिपैलिटीज में, तो हम इनको क्यों छोड़ें, ठीक है। तो इसलिए उनका भी मानना था कि हम इसको इतना ज्यादा एक्सट्रीम बॉयकॉट नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की टेक्निक में ही, अगर देखा जाए मेथड ऑफ टेक्निक, जो प्रोटेस्ट का मेथड था स्वदेशी मूवमेंट, उसमें ही डिफरेंस आ गए, ठीक है। तो बनारस सेशन में ये एक डिफरेंस दिख रहा था, ठीक है। और एक दूसरा डिफरेंस था प्रेसिडेंशियल पोस्ट का, मतलब आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें जो टॉप बॉस है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो अब एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उनके व्यक्ति क्या बने, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। और मॉडरेट्स, अभी तक तो 1885 से बात करूं तो मॉडरेट्स लीडर्स ही थे, वही क्या थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह रहे थे। तो व्हाट एक्सट्रीमिस्ट वांट, कि हमारी, हम प्रेसिडेंट बने, लाल बाल पाल अरविंदो घोष इनमें से कोई एक क्या बने, प्रेसिडेंट बने। तो उस टाइम पे, तो मैं 1905 की बात करूं, तो मॉडरेट्स ने बहुत अच्छा गेम खेला कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नॉमिनेशन दिया अपना 1905 में, वो दिया उन्होंने गोपाल के
कृष्ण गोखले का, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट इनका पोजीशन कर नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ही सीनियर लीडर्स थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो उन्होंने इसको ऑफ कोर्स अपोज नहीं किया। और 1905 का जो सेशन था उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने, गोपाल कृष्ण गोखले बने, तो आपको याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन मामला अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ इस बनारस सेशन का रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, कोल्ड वॉर टाइप का था लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, मतलब कांग्रेस में ऑफ कोर्स ऑफिशियली दो ग्रुप नहीं डिवाइड हुए, मैं आपको बता दूं वो होंगे 1907 में। तो 1905 में क्या मान लिया गया, चलो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज टाइप की सिचुएशन कर ली और रिजल्ट ये रहा कि ऑफ कोर्स दे कंडेम द पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ है उसको कांग्रेस ने कंडेम किया और ये बोला कि वी सपोर्ट स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट इन बंगाल, मतलब देख रहे हैं ना उन्होंने बॉयकॉट को माना और उन्होंने माना स्वदेशी मूवमेंट राइट है बट इन बंगाल, आप देख रहे हैं ना कि उन्होंने एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया कि चलो अभी बंगाल में हम इन चीजों को सपोर्ट कर देते हैं और इसको उन्होंने पास कर दिया अपने बनारस सेशन में, मतलब बनारस सेशन में कांग्रेस ने कंडेम किया है पार्टीशन को और उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया और बॉयकॉट को भी सपोर्ट किया इन बंगाल, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसका ये सुन के ऑफकोर्स लाल बाल पाल कह रहे हैं चलो ठीक है अभी अगले साल देखते हैं, अब इस साल तो चलिए कोई दिक्कत नहीं अगले साल देखते हैं, अगले साल हम प्रेसिडेंटशिप की ओर लड़ेंगे, मतलब वो हमें चाहिए। तो अगले साल अब क्या होगा, 1906 में क्या होने वाला है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां अभी अब लेक्चर को मैं कंप्लीट कर रहा हूं अपना, ठीक है। तो अभी सिचुएशन आप याद रखिएगा कि 1905 में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया है बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन 1907 जब आएगा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फाइनली कांग्रेस दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी ऑफिशियली, अभी ऑफिशियली डिवाइड नहीं हुई है, ठीक है। तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो प्लीज इसको आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपको कोई भी क्वेरीज आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। और आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, तो आप प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।